वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फेरा एंड फेमा के बारे में, जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम सत्यम कुमार है, उनकी रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि फेरा क्या होता है, व्हाट इज़ फेरा इन हिंदी में। फेरा की जो फुल फॉर्म है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ये जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब ये एक्ट बनाए गए थे, फेरा एंड फेमा दोनों ही, जिसको हम हिंदी में विदेशी विनिमय नियम अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो हिंदी की फुल फॉर्म है, ये इसकी विदेशी विनिमय नियम अधिनियम है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी भुगतान पर नियंत्रण लगाना था, पूंजी बाजार में काले धन पर नज़र रखना था और विदेशी मुद्रा के आयात और निर्यात पर नज़र रखना था, और विदेशियों द्वारा अचल संपत्तियों को खरीदने पर नियंत्रण करना था। कि जब ब्रिटिश ने के टाइम पे जब हम फ्रीडम होने वाले थे, उससे पहले जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये रूल एक्ट बनाया, जिससे कि जो भी हमारा फॉरेन से जो भी संपत्ति का, पूंजी का जो भी ट्रेड हो रहा था, उस पर पूरी नियंत्रण रखना, उस पर नज़र रखना, इसलिए ये कानून बनाए गए थे। इस कानून को देश के अंदर उस समय लाया गया था जब देश में विदेशी पूंजी भंडार की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो जब विदेशी पूंजी भंडार कम हो जाते थे तो उस टाइम पर ये वाला नियम लाया गया था। इस कानून को चलाने का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा का संरक्षण और देश की अर्थव्यवस्था के विकास को देखते हुए कानून में कुछ बदलाव किए गए और फेमा को लाया गया। कि उस टाइम पे जब ये कानून बनाया गया था तो इसको इसलिए लाया गया था कि जो देश में अगर किसी संपत्ति की या पैसे की, फाइनेंशियल कुछ कमी हो रही है, तो उसको स्टेबल करने के लिए कानून लाया गया था, जिससे कि जो भारत का विकास है उसमें कुछ उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इसी कानून में कुछ बदलाव किए गए, जिसको हमने फेमा का नाम दे दिया गया। फेमा देखते हैं, फेमा क्या होता है, व्हाट इज़ फेमा। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे हिंदी में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी मुद्रा के संबंधित सभी कानूनों का संशोधन और एकीकरण करना था। कि जो भी विदेश से रिलेटेड मुद्रा के जो कानून बने हुए थे, जो ब्रिटिश टाइम पे जो उन्होंने कानून बनाए थे और जो भी उसमें संशोधन किए थे कानूनों में, उन पे उनका एकीकरण करना था और उन पे नियंत्रण करना था। साथ ही ये देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना और विदेशी पूंजी और निवेश को देश में बढ़ाने पर कार्य करना था, जिसके ज़रिए औद्योगिक विकास और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। जो हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके, और जिससे कि हमारा जो देश होगा वो डेवलप होगा। ये वो कानून है जिसके ज़रिए भारत में विदेशी मुद्रा बाज़ार के रखरखाव और सुधार में प्रोत्साहन मिलता है, और इसके ज़रिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उसके भारत के बाहर भी संपत्ति को आसानी से खरीद सकता है, उसका ऑनर भी बन सकता है। तो इसका एक्ट के ज़रिए से जो अगर कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति दूसरे देश में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो उसको इजीली परचेज कर सकता था और उसका इजीली ऑनर भी बन सकता था। तो ये इसके अंदर ये था कि हम दूसरे फॉरेन में भी हम अपना ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, और जो यहाँ के जो उन्होंने नियंत्रण बनाए गए थे, मतलब जो भी उन्होंने मुद्रा से रिलेटेड जितने भी कानून बनाए रखे थे ब्रिटिश ने अपने रूल जो बनाए थे, उनको नियंत्रण करना, उनका एकीकरण करना और उन पर रोक लगाना था। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आपको कुछ कह रही है तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू, बाय।